रंग बरसे अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे हरे हरे हरे। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, एंड आई होप आप सब लोग मस्त होंगे बिल्कुल मेरी तरह। तो सबसे पहले तो आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आई विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी होली। तो बस गाने चल रहे हैं मस्त होली के, और होली खेलने की तैयारी हम भी कर रहे हैं, और इधर मस्त पकौड़े बनाए जा रहे हैं। दिखाओ भी कौन बना रहा है पकौड़े, बन गए? हाँ बन गए। तो मस्त अभी थोड़ी देर में नाश्ता वास्ता करते हैं, फिर होली खेलने की तैयारी करते हैं, और फिर मिलते हैं आपसे। ये पानी तो भर बेटा, क्या कर रही थी? पानी का है वो देख, वो देख, वो देख, वो देख कहाँ पिचकारी। होता क्या है ना कि होली के चक्कर में हम लोग अपने बालों वगैरह केयर करना भूल जाते हैं, तो और होली में जो कलर वगैरह डलते हैं ना इधर से, काफ़ी सारे केमिकल्स वाले कलर होते हैं, तो वो बालों को ख़राब कर देते हैं, या कलर जो है बालों को पकड़ लेता है, या जो हमारी हेड की स्किन होती है उसको पकड़ लेता है। तो इसलिए क्या है, अच्छे से बालों में ना तेल लगा लेते हैं ताकि नहाते वक्त ईजिली कलर निकल जाए, तो वो कलर जो है तेल की वजह से पकड़ता ही नहीं है बालों को और इजीली निकल जाता है। तो ये आदत तो हमें हमारे खैर ने बचपन से ही डाली हुई है मेरे पेरेंट्स ने, स्पेशली मेरे फादर ने। तो बस यही है, हाथ पैरों में भी अच्छे से लगा लेते हैं। अच्छा, ये किसके साथ होता था कि बचपन में जब हम होली खेलते थे तो हमारे फादर जो होते हैं वो ऐसे कलर से मूछे बना के फोटोग्राफर की दुकान पर ले जाके मस्त फ़ोटो निकलवाते थे। पता नहीं मुझे क्या मज़ा आता था, लेकिन ठीक है, अपना अपना प्यार है फादर्स का जताने का। तो हो सकेगा तो मेरी भी कुछ फ़ोटोज़ होंगी शायद बचपन की, शेयर करेंगे। तो बाकी चेंज करते हैं थोड़ा, होली वाले कपड़े पहनते हैं, होली वाले लिबास में आते हैं, क्योंकि वैसे तो ये कपड़े भी गंदे हो ही गए हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, एक जोड़ी और गंदे करेंगे, होली है फिर मचाएंगे धमाल। आ गया मेरा दोस्त, आ गया। हैप्पी होली भाई, हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। कलर का है ये ले, हैप्पी होली ले, रुक जा, ओए रख दिया, ओए अब लगा काय करो बस। थोड़ा हम आ जाए,
कौन है भाई, कौन है? हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली, होली मुबारक हो। कौन कौन है, कौन कौन है, कहाँ कहाँ है? हैप्पी होली हैप्पी होली हैप्पी होली। कैसे भीग रखा था तू पूरा? तो गाइस अपनी होली तो बहुत ही बढ़िया रही, जहाँ जहाँ जाना था होके आ गए, डांस भी हो गया मस्त, खाना पीना भी हो गया, और आई होप कि आप लोगों ने भी अच्छे से होली खेली हो। तो बस यार अपनी ऐसी होली रहती है, हालांकि पिछले कुछ सालों से होली का क्रेज़ थोड़ा कम होते जा रहा है, और आजकल के बच्चों में उतना क्रेज़ है नहीं वैसे, ना गुब्बारे फुलाने का ना कलर वलर का, मतलब कुछ रह नहीं गया ऐसा कुछ, बट ठीक है यार फिर भी बहुत ही बढ़िया रही। चलते हैं नहाते धोते हैं और उसके बाद आपसे फिर से कुछ बातें करते हैं। अरे आ गए आप लोग, तो अपन भी नहा धो के बिल्कुल बन गए राजा बाबू। तो होली तो रही अपनी बिल्कुल मस्त, बट हाँ लोगों में क्रेज कम हुआ है होली का। और सबसे अच्छी बात जो इस होली में देखने को मिली ना, कि लोगों ने पानी को फालतू बर्बाद करना बिल्कुल बंद कर दिया। फालतू क्या मीन्स, पहले ऐसा होता था कि हमारे एरिया में या कहीं भी मैं जाता था ना, सारी गलियां बिल्कुल भीगी मिलती थी, आज से 4-5 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो इतना लोग पानी फेंकते थे, मतलब बेकार में, कोई उसका रीज़न नहीं था। बट इस बार मैं इतना गया, कहीं पर भी कोई पानी का कोई मिसयूज़ नहीं था, तो वो चीज़ देख के बहुत ही अच्छी लगी। और सेकंड चीज़ ये कि लोगों में इतनी मतलब जागरूकता इतनी बढ़ गई है कि लोग एक अच्छी क्वालिटी के कलर्स का, जो केमिकल फ्री कलर्स होते हैं या फिर जो हर्बल कलर्स होते हैं, लोग वही यूज़ कर रहे थे। तो बहुत ही अच्छा लगा ये देख के। और उसके बाद ये कि हाँ क्रेज कम है लोगों में, बट कोई बात नहीं, शायद हो सकता है कोरोना की वजह से इस साल थोड़ा और कम रहा, लेकिन मस्त इतना सही लगा कि इस बार थोड़ा सा जो आपने इसमें फोक डांस वगैरह देखा होगा, बेसिकली हमारे उत्तराखंड का फोक डांस है, कुमाऊँ उत्तराखंड से बिलोंग करता है, जिसको वहाँ झोड़ा बोलते हैं। बहुत पहले जब हम लोग छोटे हुआ करते थे ना, तो इस टाइप से हुआ करता था। मेरा घर था बहुत ही बड़ा, तो उसमें हम लोग छत में इकट्ठा हुआ करते थे, सब लोग करते थे। बट अब वो चीज़ ख़त्म हो गई है, बट अभी कुछ लोगों में वो बाकी है तो वो कर रहे हैं, बट कुछ सालों बाद मेरे ख्याल से ये सब देखने को ना मिले, तो बहुत ही बढ़िया रहा। तो हाँ मैं आपसे एक स्टार्टिंग में बात कर रहा था ना, फादर लोग फोटो खिंचाते थे मूंछ बना के, देखो मैंने फोटो निकाली है, ये देखो इसमें ये छोटा भाई है मेरा, इसकी मूंछें बना दी गई हैं, शायद इसकी फर्स्ट होली थी, ये मैं हूँ, ये बहन है, ये मेरे फादर हैं। तो मैंने फ़ोटो सेव करके रखी हुई है, एक्चुअली मैं सारी फ़ोटो सेव करके रखी हुई है। तो ऐसा हुआ करता था पहले, जो कि अब तो मुझे नहीं पता, अब तो खैर हर किसी के पास सेलफोन्स होते हैं तो अपने आप ही वीडियोस वगैरह फ़ोटो वगैरह बना लेते, बट पहले सिर्फ फोटोग्राफर्स हुआ करते थे, तो उन्हीं के पास जाके फ़ोटोज़ खींचते, तो वही अपनी अपनी यादें हैं पुरानी। तो होली रही मस्त, एंड आई होप आपने भी बहुत ही अच्छे से और सेफ होली खेली हो। तो फिलहाल इसी अच्छे नोट पे वीडियो को एंड करते हैं, एंड आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो, और खूबसूरत सा बटन बना हुआ है ना नीचे सब्सक्राइब का, उसे दबाना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में बेल आइकन जरूर क्लिक कर देना। फिर आपसे मिलते हैं ऐसे ही किसी बढ़िया से वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी होली टू यू ऑल।